द्रौपदी रमेश साहू परसदा को ई ट्राइसिकल मिलने से हुई राह आसान। गुंडरधी जनपद के समाज कल्याण विभाग के प्रांगण में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद के कर कमलों से द्रौपदी रमेश साहू ग्राम परसदा को दिया गया। आपको बता दें, द्रौपदी साहू के ऊपर दीवार गिरने से चल फिर नहीं सकती। संसदीय सचिव के प्रयास से समाज कल्याण जिला बालोद द्वारा ई ट्राइसिकल देकर उनकी राह आसान बनाया। विधायक द्वारा द्रौपदी के इलाज के लिए आश्वासन दिया गया है। बड़े अस्पताल में इलाज में मदद देने का इस कार्यक्रम में प्रभारी CEO YR साहू, समाज कल्याण प्रभारी केशव अहीर, जनपद उपाध्यक्ष अजय जैन, अध्यक्ष कांग्रेस जोन सलीम खान, रवि राय, दुपेंद्र साहू, दिलीप यादव, तरुण पारकर, शैलेश मिश्रा, साथ ही विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। पिछले साल एक दुर्घटना में दोनों पैर व कमर के हड्डी टूटने से ग्राम परसदा निवासी विकलांग महिला द्रौपदी बाई साहू को समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के योजना अनुरूप संसदीय सचिव व विधायक कुंवर सिंह निषाद द्वारा बैटरी चलित ई ट्राइसिकल प्रदान किया गया, जिससे विकलांग महिला को मानो बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। विकलांग महिला द्रौपदी साहू के मन में उत्साह जगा है और उम्मीद की नई किरण जगी है। CG News+24 से RK देवांगन के साथ TD मानिकपुरी की रिपोर्ट। इसको शासन की जो सुविधाएं हैं इसको उपलब्ध कराएं, उसकी मुहैया कराएं, और इसी तारतम्य आज कम से कम इनको घर से बाहर निकलने के लिए एक ट्राइसिकल की जरूरत थी और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आज इसको दिया गया है। और शासन की और अन्य योजनाएं हैं, इसके संबंध में मैंने उच्च अधिकारी से और शासन को पत्र प्रेषित किया है। निश्चित ही इसको उस हिसाब से आर्थिक उनको सुविधाएँ भी मिलेंगी और उसके इलाज के लिए भी मैंने पत्र भी जारी किया है। लेकिन महिला है, मैं समाज कल्याण के प्रभारी सब शिक्षक संगठक हूँ और यही कृत्रिम अंग उपकरण की योजना के तहत द्रौपदी बाई रमेश कुमार ग्राम परसदा टंग को बैटरी चलित सर्टिकल वितरण माननीय हमारे कुंवर निषाद जी संसदीय सचिव द्वारा मतलब कर कमलों से प्रदान किया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें CG News+24।